कानपुर में जो कथा चल रही है वो शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा। शिव की जो भक्ति है, भगवान शंकर की जो मूल भक्ति का क्रम वर्णन किया गया है, कहते हैं कि वो थोड़ा सा करने में भी बहुत कुछ दे देता है। जैसे एक शिव महापुराण में भील की कथा आती है, आप सभी लोगों ने शिवरात्रि की कथा सुनी होगी, भील की कथा सुनी होगी कि एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए, मृगा करने के लिए वन में हिरण को मारने के लिए गया। उसका उद्देश्य है बच्चों का पेट भरना। अब ये बात समझने वाली होती है कि पेट भरने की जवाबदारी अगर जिस परमात्मा ने पेट दिया है, जिस परमात्मा ने शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने हमको ये शरीर प्रदान करा है, उसको पेट भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की होती है। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी परमात्मा की नहीं है। वो भरेगा तुम्हारा पेट, वो तुम्हारा पेट भरने में पीछे नहीं हटेगा। ये जवाबदारी परमात्मा की है। यदि आप सोचें, यदि आप विचार करें कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, या मेरे परिवार का पेट मैं भर रहा हूं, या मेरे परिवार को मैं चला रहा हूं, या मेरे परिवार को मैं संभाल रहा हूं, तो ये आपका भ्रम है। इसको केवल भ्रम कहा गया कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, या आप स्वयं करेंगे तब परिवार का भला होगा, यह आपका भ्रम है। जिसके मन में यह बात आ जाती है कि मैं परिवार का पेट भर रहा हूं, या मैं परिवार को पाल रहा हूं, या मैं परिवार को संभाल कर चल रहा हूं, या कोई जजमानों में भी जो इतने जजमान हैं, ये सारे जजमानों में से कोई ये सोच ले कि कथा मैं करा रहा हूं, तो ये सब भ्रम है हमारा। सियोर वाला महाराज सोच ले कि वो कथा बाच रहा है, तो ये भ्रम है हमारा। अगर आप परिवार को चला रहे हो, आप परिवार का पेट भर रहे हो, तो 2 महीने के लिए कहीं चले जाओ, 2 या 3 महीने के लिए कहीं चले जाओ, जाकर छुप जाओ, तो भी तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं, तुम कहीं चले भी जाओगे, जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है पेट वो भरता है, तुम गए भी तो वो व्यवस्था कर देता है। ये हमारा भ्रम है और इस भ्रम में हम जी रहे हैं कि हम हमारा पेट भर रहे हैं, या हमारे बच्चों का पेट भर रहे हैं, या मेरे बच्चों को मैं लेकर चल रहा हूं, मेरे बच्चों को मैं कुछ दे रहा हूं, या मैं प्रदान कर रहा हूं, तो ये आपका भ्रम है, केवल भ्रम। जी रहे हो तब तक परिवार का एक माला या एक गोदड़ी या एक वस्त्र सी रहे हो, और जिस दिन चले जाओगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, जिस दिन चले जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद भी जितने घर में लोग हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, उनका भी भरण पोषण मेरा महादेव कर देता है। हम चिंता करते हैं, हम टेंशन लेते हैं, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा।
एक जगह की बात आपको बताएं, सत्यता की बात है। एक बार मां नर्मदा जी के घाट पर कथा थी, और किसी कारणवश समिति शुरू दिन का भोजन जो भक्त लोग आए हुए थे पंडाल में उनको नहीं दे पाए। भक्तों का मैसेज सीहोर गया कि गुरुजी तक खबर पहुंचाओ, रात की 11 बज रही है और हमको भोजन नहीं मिला। कुछ नहीं, बाजार में उस समय दुकान भी नहीं लगती थी, इतनी सारी अब तो दुकान भी लगने लगी है, तो पेट भर ले आदमी, हम लोग सब भूखे हैं। समीर जी आशीष जी को फोन करे, आशीष जी आकाश को बोले, आकाश हमारे पास आया, कहा गुरुजी वो रात्रि हो गई है, 10:30 पौने 11 बज रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं। समिति क्या कर रही है, हमारा दूसरे दिन से चालू होगा, आज हम व्यवस्था नहीं कर पाए। अब इतनी पब्लिक, बच्चे छोटे छोटे भूखे रहे। हमने आकाश से कहा है काम करो, ये तो वही कथा हो गई जो हम कथाओं में कहते हैं कि तुम नहीं रहोगे तो भी तो भगवान पेट भरेगा। कोई जरूरी है कि समिति भोजन देगी तभी इनका पेट भराएगा। हमने कहा चालू करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये इसी 2-3 साल के अंदर की ही बात आपको बता रहे हैं, पर स्थान का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते कि किसी समिति का नाम खराब हो, इसलिए हम उसको बोलना नहीं चाहते। अब करो जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आकाश ने माइक लिया और कह दिया नाम जाप करो, अब भूखे तो हो, भजन करने में क्या जाता है। ये कथा अगर वो गांव के लोग भी सुन रहे होंगे तो उनको ज्ञात होगा कि हमने पहले दिन का भोजन नहीं दे पाए थे, तो भोजन एक लोडिंग ऑटो में भरकर 68 किलोमीटर दूर से कोई गांव का व्यक्ति भरकर पूड़ी और सब्जी लाकर खिलाकर गया था। आप नहीं हो, आप ये ना सोचें कि मैं करा रहा हूं या मेरी सामर्थ्यता है या मैं कर सकता हूं या मैंने करा है, ये कुछ भी नहीं है। आप आओगे तो भी कथा होगी, नहीं आओगे तो भी कथा होगी, सीओर वाला महाराज रहेगा तो भी कथा होगी, नहीं रहेगा तो भी कथा होगी। शिव पुराण तो निरंतर मेरे वेद व्यास जी ने जो लिखा है, वेद व्यास जी ने जो दिया है, इस पुराण को अब मेरा विश्वास कहता है कि पहले के समय में लोगों ने इस शिव पुराण को दबा कर रख दिया था, छुपा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें इतने उपाय बताए गए हैं कि आप कैंसर बीमारी से कैसे छूट सकते हो, आप लीवर किडनी को कैसे सही कर सकते हो, आप शुगर बीपी को कैसे सही कर सकते हो, आप थायराइड को कैसे कम कर सकते हो, आप घुटने के दर्द को कैसे सही कर सकते हो, आप कमर का दर्द, कोई गुड़िया खसक गया, कोई पाइंट नीचे आ गया, उसका क्या है। रजो धर्म वाली नारी को भी रजस्वला धर्म में जो तकलीफ होती है उस तक का फल लिखा है, एक पत्र में आया है, एक पत्र में एक नारी ने लिख दिया कि मेरे जीवन का मेरे डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हारी दवाई बंद ही नहीं हो सकती थी जिंदगी भर। शालिनी अंकित राय झांसी उत्तर प्रदेश से आए, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शालिनी अंकित राय दिख गए क्या, अच्छा सामने, हाथ हिला तो एक बार ऐसा, हाँ जी श्री शिवाय नमस्ते। इन्होंने लिखा है गुरुदेव मैं नहीं जानती हूं कि मैं आपकी इस पावन शिव महापुराण को श्रवण करने कैसे आई हूं, मैं अपने घर वालों से जिद कर बाबा को धोख लगाने आई हूं, प्रणाम करने आई हूं,
धोक लगाने का मतलब होता है प्रणाम करना, नमन करना। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महत्व है, मैं बखान करूं गुरुदेव। मुझे 2014 से, अभी कौन सा साल चल रहा है, 22, 2014 से रजोधर्म की समस्या थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जिंदगी भर गोलियां खाना पड़ेगी, ये दवाई आपकी जीवन भर बंद नहीं हो सकती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आचमन का जल लेना प्रारंभ करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ और बेलपत्र खाना चालू करा, मेरी दवाई छूट गई और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। ये गुरुदी कृपा है शिव जी की। बाबा की कृपा। फिर देखिए गुरुदेव, मेरे बाबा ने कृपा क्या करी, जब दवाई गोली बंद हो गई तब दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में 22 mm की गांठ बताई थी। अब विचार करा कि बाबा तूने रजोधर्म से तो मुझे अच्छा कर दिया, पर मेरे पेट में 22 mm की गठान है, कुछ भी करो इसको सही कर दो। 3 माह पहले मेदांता में जाकर हमने इस गठान को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में वो गांठ आई है और उसको ऑपरेशन का डॉक्टर बोले। गुरुदेव मन नहीं माना और बेलपत्र को फिर चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी को बेलपत्र चढ़ाती, रोज उठा कर लाती और खाना प्रारंभ करा। जल शिवजी को चढ़ाती, आचमन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 22 mm की जो गांठ थी, दूसरी बार मेदांता हॉस्पिटल में फिर दिखाने के लिए गई तो वो गांठ गल चुकी थी। बाबा की कृपा देख, जो 22 mm की गांठ थी वो भी गल गई थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण कहती है, ये तो दुनिया के लोगों ने शिव पुराण को नीचे दबा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें वो उपाय हैं, वो चीजें हैं जिसको हम निकाल कर अपनी जिंदगी को सुख से जी सकते हैं, खुशियों से जी सकते हैं। इस शिव महापुराण के कारण ना जाने कितनों के तो धंधे चौपट हो गए होंगे, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसके पास में खुद डॉक्टर उसके पास में है कि मैं एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उसको खाऊंगी और मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। ये उसका विश्वास कहता है, ये उसका भरोसा कहता है। जिन नारियों को संतान नहीं होती, ये पत्र पड़े, बच्चे का फोटो लगाया है, निधि पांडे, 4 साल से संतान नहीं थी। कहीं बैठी हो निधि जी पांडे, कल्याणपुर से हैं, जहां कहीं बैठी हो निधि जी दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। 4 साल से संतान नहीं हो रही थी गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है, यह पत्र है। पर सफेद आंकड़े का प्रयोग वाला उपाय किया और बेलपत्री और जल का प्रयोग करा और मेरे यहाँ 4 साल के बाद फिर संतान बाबा की कृपा से प्राप्त हो ही गई। ये शिव है। बैठिए, कहीं बैठिए, एक पत्र और देखिए। 9 साल के बाद ये लिखा, कल्पना शुक्ला, पत्नी श्री जितेंद्र जी शुक्ला, हरदेव नगर खाड़ेपुर कानपुर से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आती हैं दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 साल संतान नहीं हुई, ये पत्र में लिख रही है। 5 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और बाबा पर चढ़ाए हुए जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 5 वर्ष के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। आप दिल से उसको कहो, ये तो दुनिया के लोगों ने इस शिव महापुराण को नीचे दबा दिया था, इसको प्रकट नहीं होने दे रहे थे, इसको सम्मुख नहीं आने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जरा सा जल का आचमन करेगी और इसका शरीर ठीक हो जाएगा, एक बेलपत्र खाएगी और रोग मिट जाएगा, भगवान का भजन करेगी, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप करेगी और कष्ट दूर होगा। ये दुनिया के लोग चाहते थे कि अगर ये अगर सम्मुख आ गई शिव पुराण तो फिर अपना क्या हो। अब लोगों का विश्वास शंकर भगवान के प्रति इतना जागृत हो गया, इतना जागृत अभी कल की या परसों की बात है, एक बूढ़ी अम्मा चली आ रही चली आ रही चली आ रही, पुलिस वालों ने जितने भी पुलिसकर्मी लगे हुए थे उन्होंने उसको रोका, फिर भी वो तो अंदर घुसी आई। मेरे को तो स्टेज पे ही जाना है, 81 साल की होगी, फिर भी पुलिस जवानों ने उसको रोका। अभी कथा चल रही है, बाद में मिल लेना। वो अम्मा पीछे पड़ गई, तुम्हें मिलवाना पड़ेगा। पुलिस के जवानों ने उसको रोक कर रखा, कथा समापन हुई। जाते जाते हम गाड़ी से जब उससे मिले तो उस माँ के शब्द थे, एक शब्द उस माँ का बहुत सुंदर था कि गुरुदेव पहले सब फ्री बैठे रहते थे तो सब झगड़ते थे, जब से शिवपुराण टीवी पे आने लगी है सब व्यस्त हो गए, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई। उसकी माता का प्रेम देखिए, बड़ी खुशी बड़ी आनंद था उस बूढ़ी माँ की, 80-82 की होगी और ज्यादा की हो सकती है, उसका प्रेम आत्मिक। आपका विश्वास जागा है शंकर के प्रति, और जिस दिन भगवान शिव के प्रति पूर्ण भरोसा जाग जाता है, भगवान शिव के प्रति पूर्ण भरोसा केंद्रित हो जाता है तो जीवन का एक आनंद उत्पन्न हो जाता है। आप शंकर के हो गए, शंकर आप